हेलो चिल्ड्रेंस, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू 8th चैप्टर ऑफ जनरल नॉलेज स्टैंडर्ड 3rd। ओके, हियर यू कैन सी। सो लेट्स बिगिन। 8th चैप्टर नेम इज वर्ड्स फॉर ग्रुप। ग्रुप में जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये शब्दों का समूह। कलेक्टिव नाउन्स डोनेट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिगार्डेड एज ए यूनिट। जब नाउन कलेक्ट होता है, यानी कि जो समूहवाचक संज्ञा जब होता है, तो उसका एक इंडिविजुअल यानी विशेष तरह का नाम दिया जाता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स से हेल्प लेकर के जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिलअप करना है। फर्स्ट है अ ब्लैंक स्पेस ऑफ फ्लावर। फ्लावर केम, ठीक है, फ्लावर के समूह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बुकेट, ठीक है। हियर यू कैन सी हेल्प इन द हेल्प बॉक्स बुकेट, ठीक है, आप लोग राइट कर लीजिएगा। सेकेंड है ऑफ मंकी। अब मंकी के समूह को क्या कहते हैं, तो मंकी के समूह को क्या कहते हैं बच्चों, जहाँ पर बहुत सारे मंकी होते हैं उनको कहते हैं ट्रूप, ट्रूप ऑफ मंकीज, ठीक है। यहाँ मैं सेकेंड कर दे रहा हूँ, ट्रूप ऑफ, ओके। नेक्स्ट है थर्ड ऑफ बर्ड, यानी कि पक्षियों के समूह को क्या कहते हैं, पक्षियों के समूह को कहते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, फ्लॉक यहाँ पर है थर्ड, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ ऑफ बुक्स, मतलब पुस्तकों के समूह को क्या कहते हैं, पुस्तकों के समूह को लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ ऑफ फिश, नहीं मछलियों की समूह को क्या कहते हैं, तो बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मछलियों के समूह को कहते हैं स्कूल, ठीक है, ये हम फिफ्थ है, ठीक। मछलियों के समूह को क्या कहते हैं, स्कूल। सिक्स्थ एंड ब्लैंक स्पेस ऑफ सोल्जर, मतलब सैनिकों के समूह को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं, ठीक है, आर्मी कहते हैं। सेवंथ है ब्लैक स्पेस ऑफ स्टोन, पत्थरों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसके समूह को हीप कहते हैं, ठीक है, हीप यानी ढेर। एट्थ है ब्लैक स्पेस ऑफ चिकेंस, जो मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उसके समूह को क्या कहते हैं, तो उनके समूह को कहते हैं ब्रूड, ठीक है। यहाँ है आठवां, लिख लीजिएगा। नाइन्थ है ब्लैंक स्पेस ऑफ कार्ड, जो कार्ड यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इनके समूह को क्या कहते हैं, इनके समूह कहते हैं पैक, ठीक है, पैक ऑफ कार्ड्स। टेंथ ब्लैंक स्पेस ऑफ बनानास, यहाँ पर बहुत सारे बनानास होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बंच, ठीक है, अ बंच ऑफ बनानास, ठीक है, वो बंच यहाँ पर है। टेंथ, अलेवेंथ है ब्लैंक स्पेस ऑफ शिप, यानी जहाज के झुंड को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्लीट, ठीक है, अलेवेंथ, ठीक। ब्लैक स्पेस ऑफ बीज, मधुमक्खियों के झुंड को क्या कहते हैं, उनके झुंड को कहते हैं स्वार्म, ठीक है, आप इसको राइट कर लीजिएगा सुंदर अक्षरों में, और फिर इसको आप क्या करेंगे, सेंड करेंगे बाय व्हाट्सएप, ठीक है। वैल्यू ऑफ बेस्ट नॉलेज देखते हैं। ट्राई टू मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स।
it will enhance your knowledge of collective words. कह रहा है कि try to make sentence of your own different collective nouns. कह रहा है अपने आप खुद शब्दों में सेंटेंस को क्या करें, कोशिश कीजिए कलेक्टिव नाउन बनाने की, ठीक है, अपने शब्दों में. इट विल इनहेंस योर नॉलेज, इससे क्या होगा कि कलेक्टिव वर्ड के बारे में आपका जो ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है. डिड यू नो, क्या आपको पता है, द सेम कलेक्टिव नाउन्स मे बी यूज विथ डिफरेंट ग्रुप ऑफ थिंग्स एनिमल्स. कह रहा है कि किसी वस्तु या जानवरों का जो अलग अलग ग्रुप होता है उसमें हम क्या करते हैं, सेम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं. सच एज अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, अ हर्ड ऑफ डियर, अ हर्ड ऑफ कैटल. जैसे कि हाथियों का झुंड, हिरण का झुंड और पशुओं का झुंड. ओके, आईक्यू टेस्ट, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ लायंस कार्ड. शेरों के समूह को क्या कहते हैं, तो बच्चों शेरों के समूह को कहते हैं प्राइड, ठीक है, प्राइड. ओके, सो स्टूडेंट्स टुडे टॉपिक इज फिनिश हियर एंड आई विल टीच यू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे. ओके, थैंक यू, टेक केयर.